ओके थैंक यू सत्या, वील स्टार्ट विद द सेशन नाउ. ओके सो हम लोगों ने लास्ट टाइम पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिया था. वी वर एट अ वेरी गुड पोजिशन टू स्टार्ट. हम लोगों ने अब पाइथन नंबर्स को स्टडी करना था. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. जिन लोगों का लास्ट सेशन मिस हुआ है, सो देर इज नथिंग टू वरी. हम लोग आज जो कंटेंट करने वाले हैं कवर, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन ऑफ वैष्णवी खंडेलवाल. वैष्णवी, जो लोग का लास्ट सेशन मिस हुआ है, डोंट वरी, वी विल बी गिविंग. अभी आज जो सेशन हो रहा है उसमें आपको सब कवर हो जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा है. यू कैन, इवन इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम दिस सेशन, सो डोंट वरी. कितने सेशन में हम लोग पाइथन कंप्लीट सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता. मेरे को 8 साल हो गए पाइथन में कोडिंग करते करते, आज तक मुझे पूरी नहीं आई है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कितने सेशन में सीख सकते हैं पाइथन. यू 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 हैव बेसिक्स कवर्ड इतने टाइम में जब आप करोगे तो. स्टार्ट नाउ. कैन वी हैव टू सेशंस रिकॉर्डिंग? तो उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हम लोगों ने आपको जो आज का सेशन डिज़ाइन किया है, यूल बी एबल टू हैव एवरीथिंग कवर्ड फ्रॉम द लास्ट. ओके, वेयर इज अ डेथ स्टार? डेथ स्टार वाला क्वेश्चन हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं आज हमारा जो प्रोग्राम, आज का सेशन है. ठीक है, सो वी आर गुड टू स्टार्ट. सो आर वी गुड टू स्टार्ट? इफ यू आर गुड टू स्टार्ट, टाइप गुड इन द चैट. ऑलराइट, तो मैं भी स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ. यहाँ पे हम लोग थे, वी वर हियर टिल द लास्ट टाइम. ओके, कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल डेथ स्टार. सो अभी यहाँ पे इसका डायामीटर जो है ये 160 किलोमीटर का है. कैन समबडी हियर टेल मी वॉट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 πr³. ठीक है, 4/3 πr³ हमारा ये है. नाउ हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इम्पोर्ट्स यूज करके और विदाउट यूजिंग इम्पोर्ट, दोनों पॉसिबल है. सो हम लोग पहले विदाउट यूजिंग इम्पोर्ट करते हैं. ओके, हम लोग, ये क्वेश्चन हमारा है. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर, हमको करना क्या है? व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हमको ये वॉल्यूम निकालना है इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये तो आज हम लोग फिर अगर 7 o'clock, नहीं ठीक है, देखते हैं कब तक कवर कर पाते हैं. जस्ट गिव मी 1 second. ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट शेयर. ठीक है, तो ये हमारा हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज आवर क्वेश्चन कि वी वांट टू कैलकुलेट दी और कंप्यूट दी वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल डेथ स्टार. सो नाउ वी आर क्लियर विथ व्हाट वी आर सपोज टू डू. हम लोग पाइथन ट्यूटर पे वापस आ गए हैं. हम लोग, हमारा फेवरेट जो है पाइथन ट्यूटर ही है, आगे भी ये रहने वाला है जब तक हम लोग बेसिक नहीं सीख जाते. ठीक है, आई थिंक दिस इज अ स्क्रीन इज क्लियर नाउ. सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? कैन समबडी सेंड मी अ फोटो ऑफ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मुझे एक बार? सब कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लैक पैचेस है. महेंद्र एंड सत्या, कोई भी एक पर्सन मुझे दिखा सकता है? कैन यू चेक व्हाट्सएप? अच्छा हाँ, तो ये जो ब्लैक पैच है ना, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज क्या हो रहा है कि ये जूम का है ना, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. मैंने ये जो राइट में है ना, दिस इज द चैट बॉक्स. ओके, तो मुझे चैट बॉक्स देखना पड़ेगा, बिकॉज हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग आई वॉन्ट टू सी. एंड दिस इज लाइक, ये आई डोंट नो इफ वी कैन स्टॉप दिस. ये नीचे नहीं जा रहा है. ओके, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. अभी कैसा दिख रहा है, इज इट ओके? मैं नीचे का थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ उसको, तो
थोड़ा बेटर रहेगा। बॉक्सेस आ रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज बेटर ना, अभी बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट में फिर से स्क्रीन शेयर शुरू कर रहा हूँ। ओके अभी दिख रहा है, अभी क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। या इट इज। अभी ब्लैक पैच तो नहीं दिख रहा है। कैन आई हैव दैट फोटो अगेन ऑन माय यस, थैंक यू। चैट बॉक्स को मैं मेरे फोन पे ऑन कर लेता हूँ। ओके सो दैट आई विल बी एबल टू सी दैट। थैंक यू वागेश्वरी, आपने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे। ओके अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास में, हमें पता है कि डायमीटर जो है वो 160 किलोमीटर का है। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है, हम लोगों को वॉल्यूम कंप्यूट करना है। इट्स वेरी सिंपल, हम लोगों ने ये बनाया डायमीटर। नाउ बिफोर वी कम हियर आई वांट टू शो समथिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड एज कमेंट। ये कमेंट होता है, कमेंट क्यों यूज करते हैं हम लोग? कमेंट इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन राइट जो हमें किसी सामने वाले पर्सन को कन्वे करना है। सो नाउ बिकॉज वी हैव स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, वी वुड वॉन्ट टू नो दी अदर्स, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। सो ऑलवेज मेक दिस हैबिट यहाँ पे लिखने का, कमेंट ऐसे हैश डाल के यू कैन गिव अ टैब एंड यहाँ पे यू कैन राइट कि दिस इज डी इज द डायमीटर ऑफ डेड स्टार। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द डेड स्टार। नाउ हम लोगों को रेडियस चाहिए बिकॉज वी वुड वॉन्ट टू कैलकुलेट दी volume based on the radius and not the diameter. So we will say d by 2. Okay, this is the radius of star, dead star. Now formula for volume, chalo let us say volume ka formula kya hota hai yahan pe, volume of sphere. हम लोग हमेशा जो हमारे वेरिएबल के नाम होते हैं वो इस तरह देते हैं दैट इट मेक सेंस, कुछ भी नहीं दिया जाता। सो वी हैव टू बी क्लियर। नाउ 4/3 हमको लिखना है। सो हाउ डू वी डू दैट, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं। हम लोगों को इस ब्रैकेट के अंदर डाल के 4/3 डालना है, ठीक है। 4/3 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे स्टार आएगा, विच इज मल्टीप्लीकेशन। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया है तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाई इक्वल्स टू 22/7 पाई, देन आर यानी रेडियस। अभी किसको याद है कि एक्सपोनेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? कैन समबडी टेल मी, चैट में बताइए। एक्सपोनेंट यानी पावर के लिए कौन सा यूज होता है? डबल स्टार इन पाइथन, करेक्ट? यस, सो वी विल डू दैट। स्टार एंड देन क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकलेगा। नाउ इफ यू वांट टू सी किसका आंसर क्या है, वी विल जस्ट प्रिंट वॉल्यूम ऑफ sphere. All right, we'll visualize the execution. कैसे हो रहा है यहाँ पे? वेरी सिंपल, आई जस्ट होप ये फटे ना। हाँ ये फटेगा, क्यों फटेगा? बिकॉज यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे लिख रखा है और हमने यहाँ पे इक्वल्स टू डी दे रखा है। विल मेक इट डायमीटर एंड देन रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई टू। नाउ यू सी हमने डायमीटर की वैल्यू बनाई, देन रेडियस हमने बनाया। यू सी दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ रही है। इफ यू रिमेम्बर
हम लोगों ने बताया था कि डिविजन ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करता है. यू विल सी दिस, दिस इज हैपनिंग हियर. देन पाई की वैल्यू यू सी दिस 3.1429 यहाँ पे ये आ गई है. देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द वॉल्यूम एंड देन वी विल प्रिंट इट. सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स एंड वी सॉल्व द प्रोग्राम इन पाइथन. तो पाइथन में अगर आपको कोडिंग करनी है तो इस तरह से सिंपल प्रोग्राम को सॉल्व किया जाता है. Is this clear to everyone? If it is clear, write clear in the chat. Screen blur नहीं है. I don't think so. Screen blur है. सभी लोगों को clear दिख रहा है. I don't know why people are saying कि screen blur है. Many people are able to see screen is clear. It could be blur because आपके side में ना you might be having this. नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ तो. दिस इज अ वेबिनार, दिस इज नॉट द मीटिंग. तो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है इस इंटरफेस में और उस इंटरफेस में. ब्लैक पैच इज देयर, ब्लैक पैच तो रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस. नाउ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करके वगैरह कुछ नहीं किया है. व्हाट वी हैव, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस वेरी इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस यूजिंग इंपोर्ट. ओके, तो हम लोग मैथ लाइब्रेरी नाम की एक लाइब्रेरी होती है मैथ, हम लोग उसको इम्पोर्ट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग करते हैं. सो व्हाट वी विल डू, सिंपली यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पाई की जगह हम लोग डिफाइन करने की बजाय what we'll do is import math and then math.py. ये जो रहता है ये mathematical values को store करके रखता है जो math library होती है. So if I have to share with you math library in Python, Python यहाँ पे क्या क्या हमारे लिए possible होता है. So I would always encourage anyone, किसी को कोई भी question होता है ना, please go and check the documentation of every library which is available on YouTube, on internet. जाके check किया करो. These functions cannot be used with complex numbers. वो clearly बताते हैं क्या क्या चीजें किस किस के साथ में use कर सकते हैं. यहाँ पे इनकी documentation पढ़ने का आदत डालो. So हम लोगों ने क्या किया, math.py, हमने math.py use किया. So mathematical constant pi equals to this to available precision. ये हम लोग use कर रहे हैं. We are using this constant value. तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है. हर लाइब्रेरी के अंदर जो भी आप यूज करते हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू वुड वांट टू एक्सप्लोर. तो उसके अंदर यू विल एबल टू सी कि नंबर, नंबर थियोरेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, तो ये वैसे होते हैं. देन यू हैव पावर एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यू हैव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यू हैव एंगुलर फंक्शंस, एंगुलर कन्वर्जेंस, रेडियन डिग्रीज वगैरह, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, hyperbolic functions, special functions, and then constants. ये सब चीजें अगर आपको देखना है तो you can go there. And if you want to see how it is implemented, they give a lot of, you know, इसके अंदर आपको links भी बहुत सारी मिल जाती है. So you see this, यहाँ पे इन्होंने video डाल रखा है. So you can go and watch this video. TAU करके tau की value डाल रखी है. Pi कैसे use कर सकते हैं वगैरह. उसके अंदर पूरा explain किया है. So try to go through these libraries, उनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की आदत डालो. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने मैथ इंपोर्ट किया. मैथ इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट वी हैव डन, हमने पाई की जो वैल्यू है उसको यहां से लिया, मैथ डॉट पाई. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज मैथ डॉट पाई. क्या दे रहा है हमें मैथ डॉट पाई, यहाँ पे हमें मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट पाई को दे रहा है, रिटर्न कर रहा है. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे थे, 4/3 πr³. And then we print the book. तो इस तरह से हम लोग libraries को भी use कर सकते हैं. This is what I'm trying to teach all of you here. You see this? This is a module. ये Python का एक module है. Math module is a Python module which is utilized for solving our problems. Okay? Now, इस तरह के बहुत सारे libraries होती हैं. We'll come there in the coming sessions. Okay? You see this? Diameter, pi की value आ गई हमारे पास. What we've done is हमने path dot pi लिया है. You see this, we have got this again. Then we have volume of sphere coming back to the screen. So this is how you can calculate the values of our required
problems. Now you see there is something. यहाँ पे हम लोगों ने 4x3 को सब लिया था, but everything here was properly done. Float पे convert होके मिला हमको सब कुछ. We do not have to worry about this everything. यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा. I think this is very simple. अब हम लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ. Write a Python expression to compute the volume in ml of a can of soda that is 12.3 centimeter high and 6 centimeter in diameter. ये मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ क्वेश्चन. This is a question which everybody is supposed to try. And मैं चाहता हूँ कि Python tutor के ऊपर ही जाके you guys can write a Python expression to compute the volume in ml of a can of soda that is 12.3 centimeter high and 6.6 centimeter in diameter. And I will call one of you, जो भी person volunteer करना चाहेगा, I would want them to come on the screen as a panelist. They can share their screen and they can tell us ki how did they solve it. Is it okay for all of you? Are you interested to solve this problem like this? If you are interested, please write interested in the chat. Interest nahi hai kisi ko bhi. I did not find anybody writing interested in the chat. Can I know if people are interested or not interested to solve this problem? Are we connected in the chat? Chat. Achha, chat disabled hai kya? Achha, somebody has disabled the chat. Bhai, disable mat karo, please. So, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. आई थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड. थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों ने कर लिया है. हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ अ कैन यानी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हम लोगों को करना है. हाँ, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? आई थिंक दिस इज अ सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर एच बराबर. सो नाउ बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी. हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू सब लोग सॉल्व करके देखो एक बार प्लीज. तो इज देयर समबडी who would like to come as a participant, share your screen and explain to us ki kaise solve kiya hai. If you want to come, write on the chat that you want to show your solution. So if you want to show your solution, please write show solution on the chat and we'll call you and we'll see kya aapne kya kiya hai. है कोई बहादुर यहाँ पे जो शो सॉल्यूशन अपना सॉल्यूशन दिखाना चाहेगा हमें उन्होंने कैसे सॉल्व किया? डोंट वरी, ये हमारे ही लोग हैं सब. प्लीज राइट ऑन द चैट शो सॉल्यूशन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शो द सॉल्यूशन. कैन आई शो दुर्गेश? दुर्गेश यस. दुर्गेश वी वुड वॉन्ट टू सी यू. टेक्निकल टीम, कैन वी मेक दुर्गेश अ पैनलिस्ट? Yes, please call him as a panelist and we would like to see him presenting his solution. It's okay. Agar kuch gadbad bhi raha to it's fine. I mean, we want to have people participating in the chats. Durgesh, are you coming on the panelist? Hi Durgesh, you're here. Can you start your video? Please. Hello, sir. Hello, Durgesh.
सर परमिशन नहीं है वीडियो स्टार्ट करने की। अच्छा ओके एक मिनट, हम लोग कैन वी गिव द परमिशन फॉर हिम टू स्टार्ट द वीडियो दुर्गेश को? होस्ट सत्यनारायण, होस्ट जो आप है ना आपके पास रहेगा, आई एम नॉट एबल टू गिव। या श्योर, जस्ट से क्या हुआ? ओके, दुर्गेश इज देयर, दुर्गेश इज देयर इन द पैनल। हाँ दुर्गेश इज देयर, पर हमें उसको एज अ वी वांट टू आस्क हिम टू शो द वीडियो एंड स्क्रीन शेयर भी करने का ऑप्शन दे रहे हैं ऑल पैनलिस्ट। हां आई हैव गिव द परमिशन, ही कैन शेयर नाउ। यस दुर्गेश, ट्राई टू शेयर, शेयर करो। वेट अ मिनट सर। ओके सर स्क्रीन शेयर सर। हाँ वी आर एबल टू सी यू, कैन आई हैव यू? नहीं है, लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैं, वेट अ मिनट सर। अच्छा ओके एक सेकंड। दुर्गेश यू कैन फ्लिप द कैमरा और यू कैन शो लाइक दैट आल्सो इफ इट कांट सर। आई कांट फ्लिप नहीं हो रहा सर कैमरा। ओके ओके ओके, कोई है जिन्होंने लैपटॉप से स्टार्ट, जिन्होंने लैपटॉप से किया है? रोहित, रोहित इज देयर। वेट अ मिनट सर। सर दिख रहा है क्या सर अभी? अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो बढ़िया, दिस इज आल्सो गुड। सो यू हैव डन इट दिस वे, डायमीटर दिया 6.60, रेडियस को किया डायमीटर बाय 2, हाइट को किया 12.3, पाई दिया इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सो अभी समझाइए कैसे करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट क्लियर सर। राइट है क्या? हाँ बराबर है। सी आर यू एबल टू थिंक कि हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है? दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू टीच यू, है ना? तो इस तरह से हमें, हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको यूज करना आना चाहिए। वी कैन नाउ लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, हम लोग साथ में कोडिंग करके इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ओके वी हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद अस, वी हैव द, लेट मी शेयर द स्क्रीन, कोड कुछ भी रहा हो इट्स, लेट अस जस्ट सी। ओके लेट अस जस्ट राइट दिस। ओके हमारे पास में मैथ हमने इंपोर्ट कर रखा है, हमारा क्वेश्चन है, हमारा डायमीटर जो है वो 6.60 है यहाँ पे, तो हमारा डायमीटर हम लोग 6.6 डाल देते हैं। हमारा जो हाइट जो है, वी कैन गिव द हाइट एज हाइट इक्वल्स टू 12.3। ओके नाउ पाई हमारे पास है, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमारी हाइट, तो हमारी पाई आर स्क्वायर एच हो गई एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमने कैलकुलेट कर दिया। कितने लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस है कि ये कोड बराबर है? इज दिस कोड करेक्ट? हमारे इज दिस कोड करेक्ट? इस कोड में यूनिट्स नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू गिव यूनिट्स। हाइट को ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जरूरत नहीं है राइट हाइट को ब्रैकेट्स की, इट इज फाइन। सी हम लोगों को कब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें कब ब्रैकेट्स यूज करने हैं? ब्रैकेट्स सब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई होने के पहले अलग से एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग कमेंट के अंदर यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ डेथ स्टार की जगह हम डायमीटर लिख देते हैं और इसको रेडियस रेडियस हटा देते हैं, ठीक है? अभी जस्ट जस्ट टू थिंक अबाउट दिस, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, टू शुड बी इनसाइड द ब्रैकेट, नहीं इट शुड नॉट बी इनसाइड द ब्रैकेट, पर अभी ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट दिस वे ये हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। तो ये रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच हमने ये किया एंड यू विल बी एबल टू सी कि हमारा कोड बराबर से रन करता है एंड वी हैव द वैल्यू, ठीक है? दिस इज हाउ वी स्ट्रिंग नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, विल नॉट बी एबल टू डू इट, वी नॉट रिक्वायर टू डू इट। सो यहाँ तक हम लोगों को आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को हमारा जो कंसेप्ट है वो अभी तक क्लियर हो चुका है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम नाउ। यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। सो दिस वॉज द बेसिक लेवल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको हर तरह से आएगा। ये बहुत बेसिक है,
यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन अ सिंपल वे. हम लोग एक दो सेशन के बाद में हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स लेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे. ठीक है, अब हमारा जो अच्छा किसी ने पूछा डायमीटर और रेडियस का क्या यूज है. डायमीटर और रेडियस का क्या यूज है, वो कमेंट था. हमें जब बताना रहता है कि किसी को कि कमेंट हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कमेंट्स का, हम लोग आएंगे इस पे वापस से. दिस आर कॉल्ड कमेंट्स. ओके, और डायमीटर जो कमेंट रहता है उसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर रहता है वो इग्नोर कर देता है. हाँ ओके, सो गिव मी अ मिनट अगेन. ओके वंडरफुल. नाउ अभी हम लोग किसी को कोड देखना है, सो लेट मी जस्ट शो यू द कोड अगेन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जिन बच्चों का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. एंड पीपीटी में दिखा देता हूँ. देखो ये पीपीटी है हमारी, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो एक मिनट, पीपीटी नहीं दिख रही होगी. पीपीटी देख लो, ये रही पीपीटी. पीपीटी ये रही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ठीक है, अगर किसी को ब्लर दिख रहा है ना तो उसको ब्लर को मुझे शेयर करो व्हाट्सएप पे. अगर जो लोग जिन लोगों के पास मेरा नंबर है और ब्लर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट शेयर करो. ठीक है, वी आर डन यहाँ तक. इसके बाद में हम लोग वी आर एट अ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्रामिंग. ठीक है, वी आर इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्रामिंग. ओके, ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन शुरू कर देते हैं. पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हमारे हो गए. ओके, वी आर डन विद द बेसिक्स. ये अगर आपने सीख लिया है सो यू आर वेरी क्लियर विद द वेरी वेरी क्लियर विद द व्हाट डू वी से बेसिक्स. ओके, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें इनपुट यूज नहीं किया है अभी. वी आर जस्ट टीचिंग यू हाउ टू थिंक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैसे सीखते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट पाइथन हमारा पावर पॉइंट. ठीक है, आज ना मैं सिर्फ इफ, ठीक है, मैं चलो जितना आज कवर हो पाता है उतना करते हैं. वी हैव 15 मिनट्स. आदित्य वांट्स टू शो हिज कोड. ठीक है आदित्य, what is special about your code? Can you tell me about your, you know, code? कि आपके इसमें special क्या है? Then we'll call you here. Aditya, we are able to hear you. Can you speak? Aditya, yes, sir. It's a general code and has input values also. You can input any value if you want. ठीक है, भेजो हमें स्क्रीन पे दिखाओ. We are promoting you to the panelist. Now you will be rejoining the webinar as panelist. Are you able to join as panelist now, Aditya? Yeah. क्या किया है आपने? Okay. हाँ, हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू चीजें कर सकते हैं. करेक्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एब्सोल्युटली. सो ये इनपुट फंक्शन यूज किया है यहाँ पे एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेप्ट दी वैल्यूज. मैं अभी उस पर नहीं गया हूँ बिकॉज ऑफ अ रीजन, मुझे वो नहीं करना था. दैट वॉज अ बट येस फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड जिन्होंने ये पहली बार देख रहे हैं. लुक एट दिस कि हमें इनपुट भी ले सकते हैं. अभी मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को. मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑब्वियसली, पर मुझे ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी थी. दैट इज व्हाई आई डिड नॉट. बट जिनको आता है लुक एट इट दिस वे.
thank you Aditya, really appreciated. Why there is int keyword? Because जो आपकी values वहां पर अंदर आएंगी वो string के रूप में आएगी और string अगर आप process करोगे तो multiply नहीं होगा. So you have to multiply वगैरह करने के लिए आपको integer values चाहिए. That is why उसको आपको int लेना पड़ेगा. ठीक है, so next session हम लोग next section शुरू करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, याप. सो रियल पावर ऑफ प्रोग्रामिंग जो रहती है ना, अभी तक हमने जो देखा ना, दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. नाउ इफ यू वांट टू सी समथिंग विच इज यू नो वेरी वेरी स्पेशल, जो समथिंग दैट गिव्स यू रियल पावर टू डू थिंग्स इन कोडिंग, दैट इज सिलेक्शन रिपीटेशन. ये दो चीजें होती है, सिलेक्शन और रिपीटेशन से आप एक्चुअली में चीजों को समझ पाते हो. सिलेक्शन मतलब हमारे कोड ने डिसाइड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए उसके पास, वो हम उसको एबिलिटी देते हैं. एंड रिपीटेशन मतलब अगर हमें कोई चीज बार बार करवानी तो उसके लिए. सो कंपैरिजन्स हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कंपैरिजन टर्न्स नंबर्स और स्ट्रिंग्स इनटू ट्रू और फॉल्स. सो कंपैरिजन ऑपरेटर, एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वाला हमने कोई भी बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट में करता हूँ, ठीक है, प्रिंट टू इज लेस देन थ्री, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं अभी. नाउ यू सी दिस, इट इज रिटर्निंग एज ट्रू. ट्रू क्यों रिटर्न किया उसने? बिकॉज बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ था. और इफ यू रिमेम्बर हमारे कितने कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने थे, हमारे बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है कि नहीं? Let me just show you that also, क्योंकि तुम अभी Python programming के basics में हम लोगों ने discuss किया था, तो ये मैंने बताया था कि conditional operators, comparison operators क्या होते हैं, equals to, less than, greater than, ये सारे हमारे comparison operators होते हैं. सब लोगों को screen दिख रही है ना, ये हमारे increase font size, बहुत ज़्यादा blur है सर, blur है. I don't know why blur है. मुझे कोई देख, कोई मुझे प्लीज भेज सकता है क्या? मेरे मुझे देखना है कि वो क्यों ऐसा दिख रहा है. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक मिनट. Ashwari, yes sir. Actually वो नेट कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से हो रहा है, बिकॉज हमारे जो कलीग अभिषेक भी ज्वाइन है, तो जब जब वो नेट वीक हो जाता है तब वो मतलब ब्लर होता है थोड़ा. एक्चुअली ज्यादा हैवी है वेबिनार, तो उस रीजन से उतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्टिविटी चाहिए क्या उनको? ओके सो अभी मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस ओनली राइट नाउ. ठीक है, तो अभी तो देखो ऐसे ही चलेगा. एक मिनट, तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. हेलो हेलो. ओके सो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, एक मिनट अभी नहीं आ रही है ना. ओके ठीक है, सो आई एम जस्ट हैविंग दिस हियर. ओके सो ये यहाँ पे भी दिख रहा है ब्लैक ब्लैक. ओके आई एम सॉरी, आई एम आल्सो यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वेबिनार, तो प्लीज डोंट माइंड. ठीक है, बट आई थिंक मेरे इस पे तो बहुत क्लियर दिख रहा है यार, आई डोंट थिंक सो देयर इज एन इशू. और मैंने जब फोन को ऐसे टर्न किया तो मुझे और क्लियर दिख रहा है, ऐसे में तो नहीं दिख रहा है क्लियरली, मतलब ऐसे वाले में. बट ऐसे करने पे मुझे क्लियर दिख रहा है, इट्स क्लियर. अच्छा बाय द वे, कैन समबडी गेस व्हिच फोन आई एम यूजिंग? एनी गेसेस? पिक्सेल 4 है, करेक्ट. चलो ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर. मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए. फाइन, थैंक यू. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. By the way, मुझे मेरा फोन बहुत पसंद है, आई रियली लाइक इट. तो देखो, जब हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, वेन वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर, इट ऑलवेज गिव्स अस समथिंग
लाइक हमें रिटर्न जब करेगा ना वो, तो ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है हमेशा. कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं हाउ दे रियली लुक, ऐसे दिखते हैं ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब जो चीजें ऐसे दिखती है यहाँ पे. नाउ आई वुड लाइक टू शो समथिंग कि हम लोगों को आगे अभी क्या करना है. एक सेकेंड, आई तो कंट्रोल फ्लो ना. यस, कंपेरिजन में एक बार और हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज, एक बार और दिखा देता हूँ. दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू. सो जब हम चेक कर रहे हैं ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर इट. एंड पाइथन के अंदर एक और चीज होती है, मल्टीपल कंपेरिजन का भी फैसिलिटी रहता है. ओके, सो यू सी दिस, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ये ना स्क्रीन शेयरिंग जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे ये ऐसा दिखता है. सो दिस डजंट गो, आई वॉन्ट टू हाइड दिस बट इट डजंट, इट जस्ट डजंट गो. शो वीडियो पैनल, ये भी दिखेगा आई थिंक, ये सब दिखता है क्या स्क्रीन के ऊपर. हाइड वीडियो पैनल और हाइड फ्लोटिंग मल्टीपल्स, ओके ये गया अभी, फाइन. ओके, एस्केप टू शो फ्लो मल्टीपल, ठीक है. तो ये नाउ यू आर एबल टू सी दिस इज मल्टीपल कंपैरिजंस. ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देयर इज अ रीजन टू इट. हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं ना, तो वी नेवर यूज दिस थिंग इट दिस वे कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू दिस वे एग्जैक्टली कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. व्हेन आई एम ट्राइंग टू टीच दिस टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू यूज थ्री. ये यहाँ पे जो थ्री है ना, दिस इज लाइक, यहाँ पे ये वेरिएबल रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू बी यूज. तो थ्री फाइव यहाँ पे नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं. बिकॉज वेन यू कोड, आप वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हो, और वेरिएबल्स यहाँ पे एज अ नंबर, एज अ नेम यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है. सो हम लोग कोडिंग के अंदर एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए. सो नाउ कमिंग टू अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज इंडेंटेशन. पाइथन में इंडेंटेशन यूज किया जाता है. मैं यहाँ क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये अगर हमारा एक नॉर्मल कोड लाइन है ना, तो उसके नीचे लेफ्ट में अगर हम लोग ये करते हैं ना, स्पेस देते, चार स्पेस देते हैं यहाँ पे, या फिर एक टैब देते. सो थिंक अबाउट दिस वेरी क्लियरली, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है. इंडेंटेशन का मतलब, हमने जो भी लाइन लिखी है उसके नीचे वाली में अगर हमने इंडेंटेशन दिया है, तो वो उस सेक्शन का पार्ट रहेगा. मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और क्लियरली आपको आगे चल के. नाउ लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल, थिंक अबाउट दिस वेरी क्लियरली. हमारे पास में एक वेरिएबल है, इसका नाम है मून्स. ओके, दिस वाज अ प्रॉब्लम कि हमारे पास में चेक करना है कि अगर मून जो है, मून तीन से कम, मून जीरो से इक्वल है, जीरो से लेस देन है, सो विल प्रिंट लेस. अगर मून इक्वल्स टू जीरो है, विल प्रिंट इक्वल, एंड अदरवाइज विल से कि ग्रेटर, ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट शो इट टू यू एग्जैक्टली कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ. लेट अस हैव दिस कोड हियर, मून्स. ओके, लेट अस डिफाइन इन दिस वे कि डज अर्थ, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लैनेट का नाम ले लेते हैं, प्लैनेट इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेते हैं अर्थ, ठीक है. नाउ आई वांट टू प्रिंट समथिंग नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मून्स. ओके, सो इफ, अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ. ओके, इफ दिस इज अ कंडीशन, अगर ऐसा कुछ है, यानी इफ मून इक्वल्स टू जीरो, सो हम लोग प्रिंट करेंगे. यू सी दिस, मैंने अलग से कुछ नहीं डाला यहाँ पे, मैंने जैसे कोलन डाला, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, इफ देन दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन विच इज कम, एंड ये जो है ना, दिस इज सिग्निफाइंग कि हमारा इफ कंडीशन खत्म हो गया. नाउ एज सून एज आई प्रिंट एंटर, ये ऑटोमेटिकली इसने टैब दे दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन, जो यहाँ पे हो रहा है, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन. नाउ आई एम ट्राइंग टू से समथिंग टू द टू आर, मुझे ये कोड लिखना है, तो ट्राई टू थिंक इन अ बिगर पर्सपेक्टिव कि मैं चीजों को एक जगह पे लेके आने वाला हूँ और चीजों को समझाने वाला हूँ. और आप लोगों को जब आप ये कोड यूज करोगे, तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो कंडीशन के बेस पे आगे अपने आप डिसीजंस लेगा. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सिलेक्शन. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ सिलेक्शन. जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, आप लोगों के काफी चैट्स आ चुके हैं. आई हैव टू गो 10 मिनट्स ओवर, आई हैव अ टेस्ट. हाउ विल आई गेट माय अटेंडेंस रजिस्टर? या गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय which fellow?
Who asked this question? Naam nahi pata mujhe. Uzair. Okay, no issue, no issue. Actually, he asked very good question. Actually, I want to say this at very initial only. कि ये जो webinar है ना, webinar में जब हम record करते हैं, तो यहाँ पे attendance और आप कितना time join हो रहे हैं ना, वो भी पता चलता है. So attendance link की as such जरूरत नहीं है. जो स्टूडेंट्स पहले से हैं और अभी भी है या फिर बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका एक एक डेटा हमारे पास है कलेक्ट, एंड अलोंग विद द टाइमिंग हाउ मच दे आर स्टेइंग. सो अटेंडेंस लिख की ऐसा जरूरत नहीं, बट वी विल शेयर द डाउट फॉर्म. अगर कुछ डाउट्स होंगे आफ्टर दिस सेशन, अगर टाइम से बाउंड हो जाएंगे, तो यू कैन शेयर द क्वेश्चंस ऑन दैट. ओके, बच्चे फिर से ब्लर बोल रहे, वी कांट डू एनीथिंग ऑन दैट. प्लीज चेक विद योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज, बिकॉज वो इंटरनेट पोटेंसी पे ही डिपेंड करता है पूरा क्लैरिटी और ब्लर. देखो, मैं अभी फिर से वही बोला, अटेंडेंस लिंक नो नेसेसरी. मेरे फोन पे आई एम एबल टू सी एवरीथिंग क्वाइट क्लियर. मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है, इट्स क्वाइट क्लियर टू मी. मुझे नहीं डिफिकल्ट दिख रहा है ये. हाँ, बिल्कुल क्लियर है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम एट योर एंड दैट आई मीन आई एम एबल टू वेरीफाई इट. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा. नाउ मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन है और वो कंडीशन को हमें उसके बेसिस पे आगे करना है. अगर हमारे पास, अगर हमारी अर्थ के मून जीरो होते, तो हमें ये बोलना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यू सी दिस, हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा प्लैनेट यहाँ पे दिखाना है. सो प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है, प्लस प्लैनेट अर्थ, हमारा अर्थ यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है. अर्थ हैज प्लस, अब यहाँ पे मुझे उसको, यहाँ पे मुझे एज अ स्ट्रिंग टाइप कास्ट करना होगा, जीरो प्लस सैटेलाइट, सैटेलाइट. ओके, नाउ सी दिस, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग. बहुत ही सिंपल है ये. कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या, प्रिंट क्यों नहीं हुआ है अभी यहाँ पे, यू सी दिस, यहाँ पे एंटर ही नहीं हुआ. क्यों नहीं एंटर हुआ, आई शो समथिंग. यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन जब इवैल्यूएट होती है ना, तब हम लोग इसके बेसिस पे, अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट हुई, आई शो यू व्हाट इट इज रिटर्निंग. मैं आपको दिखाता हूँ ये रिटर्न क्या करता है. प्रिंट करता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को, मैं रिटर्न करता हूँ प्रिंट करके. नाउ ये जो हमारा मून इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, थिंक अबाउट दिस कि क्या रिटर्न करता है. सी दिस, इट इज रिटर्निंग फॉल्स. सो नाउ दिस इफ कंडीशन, ये इनपुट लेता है. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. इफ कंडीशन के बाद का जो ये स्टेटमेंट है ना पूरा, ये इफ को इनपुट जाता है. मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो ये थी कि जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर रहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसमें इनपुट और ये ऑपरेटर और ये इनपुट, ये दो चीजें होती है. हमारी कंडीशनल जो चीज रहती है ना, कंडीशनल, या फिर हम लोग जिसको बोल रहे हैं सिलेक्शन, यहाँ पे इफ उसके बाद में ये एक ही एज ए इनपुट रहता है. दिस इज द इनपुट, दिस वन, दिस इज जस्ट वन इनपुट, ये इनपुट जाएगा. नाउ दिस हैज टू बी ट्रू. अगर हमें ये सेक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो इफ के आगे का ट्रू चाहिए. बी वेरी क्लियर, ये समझ लो इस चीज को, ये बहुत ध्यान से समझो. दिस इज समथिंग यू हैव टू पे अटेंशन टू. नाउ यू सी दिस, हमारा जो प्रिंट मून इक्वल्स टू जीरो है, दिस इज कमिंग टू बी एज फॉल्स. सो बिकॉज इट इज कमिंग एज फॉल्स, यहाँ एंटर ही नहीं करेगा. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम इट. अगर हम बोल रहे हैं कि इफ, नाउ हमें ये करना है कि एलिफ, एल्स इफ. देखो दो चीज होती है, पहला होता है एल्स, पहले एल्स देख लेते हैं. एल्स प्रिंट हैज, प्रिंट प्लैनेट अर्थ हैज, मतलब अर्थ, यहाँ पे प्लैनेट प्रिंट नहीं होगा, अर्थ आएगा यहाँ पे. तो अर्थ हैज इतने, सी दिस, अर्थ हैज वन सैटेलाइट. ओके, उसको यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं. देखो कंप्यूटर इज डम्ब. ओके, तुम उसको जो दोगे ना, वो एज इट इज प्रिंट करता है विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग. इट्स अ डम्ब मशीन. तो अर्थ हैज वन सैटेलाइट, यू सी दिस,
प्लैनेट हमारे पास अर्थ की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हैज आ गया, वन आ गया एंड सैटेलाइट, तो अर्थ हैज वन सैटेलाइट, ये हम लोगों ने बता दिया. दिस इज क्वाइट क्लियर, बहुत सिंपल चीज है. नाउ मुझे यहाँ पे अगर जीरो है ना तो मुझे ये नहीं लिखना कि वन सैटेलाइट, मुझे ये लिखना है कि इट हैज नो सैटेलाइट्स, दिस प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट्स. ओके अभी मुझे चाहिए कि देखते हैं क्या है प्लैनेट यहाँ पे क्या होगा, अर्थ हैज वन सैटेलाइट. नाउ मुझे अब ये करना है कि इफ एल्स, यहाँ पे यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, ये भी चलता है. If moon has equals to, I think this should work. मुझे जहां तक याद है, it could be wrong also. देखते हैं. Else, देखते हैं क्या होगा. One लिख देते हैं यहाँ पे. One satellite, else इतने satellites हैं. So you see this, yeah, it's not allowed. So यहाँ पे elif आएगा. Else if नहीं होता है तो elif होता है. So this is the expanded part of it. So elif बोलते हैं इसको. Else if, यानी हमने else देखा, यानी अगर ये condition true है तो इधर जाओ, अगर ये condition true नहीं तो else पे जाओ. हमको इसके बीच में डालना है कि हमें एक specific चीज चाहिए कि अगर moon एक है तो हम बोलेंगे earth has one satellite. You see this? Now you see this? हम लोग बोल रहे earth has one satellite. ये यहाँ पे exit हो गया. It did not execute the next statement. ये चीज को ध्यान से देखना. Be very clear, understand. Now हम लोग इसको या फिर ये भी लिख सकते हैं. Because this planet has one satellite, it is Earth. ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं. This is how it would look like. तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं. इस तरह से हम लोग if condition को यूज करते हैं. आज के लिए इतना ही है हमारे पास में, इससे ज्यादा हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे. सिलेक्शन हो गया हमारा, इफ कंडीशन के बारे में आपको बता दिया. अगली बार हम लोग रिपीटेशन यानी वाइल और फॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग कंबाइनिंग लूपिंग एंड सिलेक्शन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फॉर लूप पे भी जाएंगे, वो बाद में जाएंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. 7:20 हो गया, मेरी भी हालत पूरी हो चुकी है कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता. चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड टीचिंग अस अगेन द बेसिक्स ऑफ पाइथन. तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वही बोलने वाला था. सो लेट अस थैंक, लेट अस शो आवर ग्रेटिट्यूड टू शेयर बाय पुटिंग थैंक यू इन द चैट. चलो बढ़िया, बच्चे स्मार्ट हो गए, बोलने की जरूरत. आपने आपने बस सब सिखा दिया है सत्या, आपके बच्चों को आपने सब सिखा दिया है. यस, बच्चे बहुत स्मार्ट. यस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखना है ना हम लोग, वी हैव टोल्ड दिस कि हम लोग रखेंगे. सो लेट अस हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. देयर इज वन क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन. इफ आई एम लर्निंग इफ आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज अदर देन पाइथन, व्हिच वन इट शुड बी, जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अच्छा लोगों ने प्रिंट थैंक्स लिखा है, वेरी नाइस. कौन था ये महान, मतलब रियली इंटेलिजेंट प्रिंट थैंक्स, कौन? आदित्य, थैंक्स आदित्य. ओके, सो अनुज का क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया है. कैन सत्या, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. कैन वी गेट प्रीवियस अटेंडेंस शीट? कैन वी गेट प्रीवियस अटेंडेंस शीट? मुझे नहीं लगता. नो, वी कांट. टाइप एज एन आंसर एज नो. सर किसी भी लाइन को कमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की फिर से बताओ ना, हमने यूज ही नहीं की शॉर्टकट की, हमने कोई शॉर्टकट की आंसर यूज नहीं किया अभी यहाँ पे. कैन वी पुट mat.py डायरेक्टली इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमेशा वेरिएबल्स यूज करना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन था किसी का, तो ये आंसर दिस लाइव. कैन वी टेक स्पेस बार बिटवीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? नो, वी कैन नॉट यूज, अदरवाइज इट बिकम्स डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, इसलिए अंडरस्कोर यूज करना है. यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑन योर ग्रुप. ठीक है, डिसमिस कर दिया मैंने इसको. सर रिवाइज फास्टली व्हाट वी हैव डन इन लास्ट सेशन. नहीं सर, मैंने VS कोड पे किया है. बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड. सर ये मीटिंग कब है, हमें कैसे पता लगेगा? सर ये मीटिंग कब है, हमें कैसे पता लगेगा? सत्या सर, सुमित कामोदकर, आई थिंक आप विजडम आई के ग्रुप पे नहीं हो, आपको लिंक कोई तो दे रहा है गेस, तो वी आर वेरी सॉरी. जहाँ से लिंक ले रहे हो वहां से लिंक लेके आप आ सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो,
बट अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो तो आई डोंट थिंक वी कैन ऐड यू अगेन, बिकॉज हमने फिर से मतलब बहुत डिमांड बढ़ गई, तो हमने चालू भी किया था इनफैक्ट, बट एट दैट टाइम जो रिस्पॉन्सेस नहीं आए बिकॉज वी आर बाउंड बाय सम रूल्स राइट, एडमिन जो बोलेंगे हमारे ऊपर भी कुछ है एडमिन राइट, उनको हमें देना पड़ता है जो स्पॉन्सर करिए सब सारा कुछ, तो उनको हम देना पड़ता है ये सब चीजें. सो अगर उनकी अगर मर्जी होगी तो अगर फिर से खोल देंगे तो आपको बता देंगे, आपको जस्ट फ्रेंड से पता चला लेट हिम नो कि अगर कुछ आता है कीप एन आई ऑन द ग्रुप, अगर कुछ ऐसा आता है अगर ओपन हो रहा है देन वी विल लेट यू नो. चलो इज इट नेसेसरी फॉर अस टू लर्न वेब डेवलपमेंट टू फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स? भैया कोई भी ज्ञान वेस्ट नहीं जाता, ले लो अगर मिल रहा है तो ले लो वो ज्ञान, है ना. वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो तो सीख लो, अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हो ना, सीखो सब चीजें सीखो. Why not PyCharm? अभी सब लोग PyCharm नहीं यूज कर सकते इसलिए PyCharm नहीं यूज कर रहे. पाइथन ट्यूटर पे तुमको दिखेगा जो तुम कर रहे हो, इसलिए हम लोग पाइथन ट्यूटर यूज कर रहे हैं. PyCharm मेरे को नहीं आता ऐसा नहीं है, मैं PyCharm यूज करता हूँ, बट तुम लोग अभी नहीं कर सकते उतना. ओके, इफ यू आर टू पीपल डूइंग लेक्चर ऑन द सेम डिवाइस देन व्हाट? तो मुझे नहीं पता सत्या, इफ यू टू पीपल आर डूइंग लेक्चर ऑन द सेम डिवाइस देन व्हाट? देन नथिंग, यू कैन एक्सेस द सोर्स एंड गेट बेनिफिटेड एज मच एज पॉसिबल, बट अटेंडेंस तो एक ही लगेगी जिसका नाम है. ठीक है, why we do so much spacing? पता नहीं कब का. अच्छा, इंडेंटेशन, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं, और वो चीज़ को समझने के लिए एक बार रिकॉर्डिंग फिर देखना, या फिर पाइथन पे गूगल पे सर्च करो क्या होता है. इसके नोट्स है क्या? इसके नोट्स नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दूंगा किसी को. प्लीज शेयर योर फोन नंबर. नहीं, यहीं पे आके पूछना है, इधर क्वेश्चन आंसर्स पूछना है, इधर ही आंसर लेना है. इज इट नेसेसरी फॉर अस टू लर्न वेब डेवलपमेंट टू फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? बता दिया मैंने. वॉट इज स्ट्रिंग? मैंने बता दिया पहले के सेशन में. जावा वर्सेस सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहिए? पाइथन. सी प्लस प्लस जावा का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. आप कौन से कॉलेज के हो? मैं सिंहगढ़ से हूँ. आपने कभी जैंगो यूज किया क्या? हाँ मैंने किया है. वाई सी और सी प्लस प्लस मैंने बोला ही नहीं. वाई टू टाइम्स इक्वल्स टू, वो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, दो चीज को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसको डबल इक्वल्स टू बोलते हैं. मैं जिस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहा हूँ उसको पाइथन ट्यूटर बोलते हैं. वेन टू यूज एलिफेंट एल्स? हमने इसका आंसर दिया है इफ यू गो देयर. बेस्ट आई डी फॉर पाइथन अभी तुम्हारे लिए पाइथन ट्यूटर. अटेंडेंस लिंक. आप भेजा ना आपने? अच्छा वो ओके, डाउट फॉर्म भेजा. ठीक है, प्लीज शेयर योर फोन नंबर. नहीं मैं नहीं भेजा, वो नंबर नहीं दे रहा मैं. डस जावा गुड लैंग्वेज टू लर्न? क्यों करना है अभी? पाइथन पे फोकस करो ना, जो सीख रहे हो उसको देखो ना क्या है. तुमको क्यों जावा और सी प्लस प्लस पे जाना है? जैंगो यूज किया है क्या? मैंने किया है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर रहे हैं, ठीक है ना. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप. I performed that volume of a cylinder on idle. हाँ ये भी अच्छा है, very good. Ubuntu use करते हो क्या? करते हैं. Can we use spider? कर लो. Why only JavaScript? Can we learn C and C++? तुमको बाबा आदम के जमाने में जीना है क्या? मतलब तुम have you guys made up your mind कि तुमको इधर bashing मिले थोड़ी सी? मतलब कोई इंसान थोड़े दिन से अच्छे से बोल रहा है, प्रेम की बातें कर रहा है, वो समझ नहीं आती, डांट सुन के ही जाने का है क्या? क्यों सीखना है C++ तुमको, जब अच्छी लैंग्वेजेस है दुनिया में पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी जो बहुत अच्छी है, एक्चुअली में बहुत अच्छी है. तुमको क्यों पुराने जमाने में पड़े रहना है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट टू लिव इन यू नो प्रिमिटिव एजेस. होमवर्क, अदिति ने लास्ट टाइम भी पूछा था ना होमवर्क का. यार अदिति होमवर्क का, सत्या होमवर्क क्या दे यार, मुझे नहीं लगता कुछ होमवर्क देना चाहिए. अच्छा वी कैन डू इट दिस वे. मैं एक ओके एक हम लोग इनको वीडियोस दे सकते हैं ना. वी कैन गिव देम असाइनमेंट्स टू सी द वीडियोस, है ना? राइट. हां आई गेस दे रहे हैं. हम आई गेस हम दे रहे हैं वीडियोस. आप जो वीडियोस भेज रहे हो वो तो दे ही रहे हैं. अच्छा मैंने दिया है ना आप लोगों को पूरा या पूरा लिंक लाइक आफ्टर दिस सेशन हम वो वीडियो शेयर करेंगे साथ. हां सो अदिति, हां अदिति यू कैन वॉच दीस वीडियोस. अच्छे से उन वीडियोस को देखो. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस को देखो, अच्छे से पढ़ो. बंदा बहुत अच्छा है, मैंने उसी से पाइथन सीखा है, बहुत अच्छा सिखाता है. जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए HTML CSS भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अभी पाइथन के क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं, ठीक है? टाइम पास नहीं करना. आई एम यूजिंग PyCharm इंस्टेड ऑफ यूजिंग PyTutor, इज इट गुड फॉर? अरे भाई कुछ भी यूज करो यार, सीखो. एथिकल हैकिंग नेसेसरी टू क्या यार? विल पाइथन बिकम ऑब्सोलीट? नो, इट विल नेवर बिकम ऑब्सोलीट.
मैथ्स क्यों यूज किया बता सकते हो क्या शॉर्ट में? देखो मैथ्स एक लाइब्रेरी था, इम्पोर्ट हमने जो मैथ किया था ना वो एक मॉड्यूल था जो मैंने दिखाया था ना इंस्टेंस इक्वल्स टू करके, वो आ रहा था मॉड्यूल इंस्टेंस, तो वो मॉड्यूल उसके अंदर ना बहुत सारे फंक्शन है जो हम लोगों को पाइथन नहीं देता है, तो पाइथन अलग से चीजें देता है हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो हमारे पास में उसने ऑलरेडी चीजें बना के दे रखी है सो वी यूज्ड इट. आंसर लाइव दे दिया मैंने आंसर. इफ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन कैन आई लीव? हाँ ये भी अच्छा है. स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनी इंटरेस्ट और डोंट वांट टू अटेंड दिस सेशंस कैन लीव बिकॉज़ यू आर ऑफिशियली एंड विद द मीटिंग. बस अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं सो दे कैन लीव द मीटिंग. क्या धड़ाधड़ लोगों ने छोड़ा. वेरी गुड आंसर लाइव. ओके जिनको क्वेश्चन आंसर सुनना है वो सीख के जाओ. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इसमें होगा क्या? हाँ तो कल अगली बार हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम ही करने वाले ना, तो हम एल्गोरिथम ही पढ़ रहे हैं. व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ इज हाउ डू यू मेक एल्गोरिथम्स. सर ऑल लैंग्वेजेस परफेक्ट आना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए जिसमें तुम सारी कोडिंग कर सको, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं पाइथन प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मोबाइल. हाँ तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ना पाइथन ट्यूटर से ऑनलाइन. हैकर रैंक अच्छा है क्या कोडिंग के लिए? हाँ अच्छा है. सर इज सैवेज. ओ थैंक यू. मेरी एज, चलो सब लोगों के लिए गैस करने का एक वो है, गैस करो मेरी एज कितनी है. मैं चैट वापस इनेबल कर रहा हूँ. मेरी एज कितनी है बताओ. बिलो 30 ठीक है, 99 प्लस. 30 40 भाई कुछ भी, 23 28 1000 10000 माइनस में भी एज डाल दी लोगों ने तो. क्या यार, टेल अस अबाउट गो लैंग्वेज. मैं नहीं बता रहा. अटेंडेंस लिंक भेज दी. आई डोंट नो व्हिच वर्जन शुड यू लुक. पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. आईफोन या एंड्रॉइड 2 फोन है या एक एक ही फोन है मेरे पास, गूगल गूगल पिक्सल. वो बहुत अच्छा है, उसमें अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज रहता है और मैं उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता हूँ. सर मेरी एज 26 है, कैन आई लीव ना? हाँ जाओ भाई, बिकॉज इंडियन कंपनीज गिव मोर प्रेफरेंस टू C++ एंड जावा, दैट वाई. ऐसी कंपनियों में जॉब ही नहीं लेना है अपने को जो अपने को C++ और जावा के ऊपर इवैल्यूएट करती है. वो कंपनी तुमको 3 लाख रुपए का पैकेज देगी. तुमको अगर अच्छा पैकेज चाहिए ना, इनिशियल पैकेज 8 लाख 10 लाख ये वो. देखो जब ना जब पेट्रोल 40 रुपए का था ना, तब भी इन्फोसिस और ये लोग जो थे ना, ये जितने भी सर्विस कंपनीज इन्फोसिस TCS विप्रो महिंद्रा सब सब 3 लाख के आसपास का पैकेज देते थे. आज पेट्रोल 100 रुपए के आसपास है, तभी भी इतना ही देते. लेकिन जो होशियार कंपनीज है ना जिनको अच्छा टैलेंट चाहिए होता है, they don't hire you on basis of C++ and Java. Never go for such companies. Never recommended. इसलिए Python सीखो. Python में इतना कुछ सीखने को मिलेगा और तुम सेम चीज बहुत कम समय में कर सकते हो. एंड ऐसी कंपनीज में अप्लाई करो, तुमको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है. देखो आई कैन टेल यू समथिंग ओके. मैं जब कॉलेज में था तब 10-10, 11-11, 20-20 लाख 25 लाख के पैकेज की भी कंपनियां आती थी, लेकिन बच्चे क्रैक क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि टाइम बहुत लगता था. C++ और जावा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुमको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम उनके इतने कट्टर है ना कि तुम समझ नहीं पाते कि मैं क्या यूज करूं अभी, यहाँ पे क्या आएगा वहां पे. पाइथन में सब विदाउट डिक्लेरेशन यूज होता है, तो तुम्हारा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है. नहीं तो तुमको अगर कोई बड़ा नंबर है, लेट अस से कि 1 करोड़ वैल्यू है उसमें, 1 करोड़ है, 10 करोड़ वैल्यू है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए तुमको जावा के अंदर बिग इंटीजर ऐसे करके कुछ तो यूज करना पड़ता है. पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना है, नंबर दो वो कर देगा अपने आप सब. छी इतना गंदा लैंग्वेज जावा, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे कंपनीज में मैं इसलिए बाहर हो जाता था बिकॉज आई वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि बच्चों को एग्जाम देते समय जो इंटरव्यू के लिए स्क्रीनिंग होता था उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स ही याद नहीं रहते थे. मैं क्यों करूँ वो सब चीजें, इसलिए आई जस्ट डोंट यूज इट. कैन वी यूज द पाइथन ऑफ PDF यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन एज रेफरेंस? हाँ बिल्कुल यूज करो, इसीलिए किया है मैंने. सर सी और C++ सेकेंड ईयर में शायद से है, इसलिए बच्चे पूछ रहे हैं कि लर्न कर रहे हैं क्या. हाँ तो जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो तो करो ना. मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कॉलेज छोड़ दो. कॉलेज में है तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा ना. सर वर्ल्ड में 60% प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, आपका क्या कहना है? करते होंगे, मैं थोड़ी सबसे पूछने गया. सर बट हमें वो वीडियोस नहीं मिले, कैन यू प्लीज शेयर इट अगेन? कर दो भाई. यस यस इंडीड. आई डोंट गेट लिंक, पता नहीं क्या करना है. अटेंडेंस फॉर्म सेंड करो, पता नहीं.
इस पाइथन यूजिंग एथिकल हैकिंग, मैंने अपने कॉलेज के अंदर एक सर्वर को डाउन किया था यूजिंग पाइथन, तो मैं तो यूज करता था। इन्वेस्टिंग इज गुड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछना। कैन वी करेक्ट माई सीक्वल टू पाइथन, हाँ होता है। वट इज मेटा फ्रीलांसिंग, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, कल अलग से बात करना कभी। पिप इंस्टॉल क्या होता है, तुमको मैंने सिखाया क्या अभी? पाइथन इज यूज फॉर एथिकल हैकिंग बता दिया मैंने, और अटेंडेंस लिंक, अरे क्या बकवास है यार, समझ नहीं आता है क्या तुम लोगों को? Go language, second, हाँ, कोई भी लैंग्वेज सीख लो यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। इज स्विफ्ट लैंग्वेज गुड, भाई सारी लैंग्वेज अच्छी है। ओके तो बस डेटा इंजीनियर क्या होता है, फालतू फालतू क्वेश्चन। लैपटॉप जरूरी है क्या फर्स्ट ईयर में? हाँ जरूरी है, होना चाहिए। तुम इंजीनियरिंग करने आओ ना, लैपटॉप लेके आओ। ओके चलो बाय। बस 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 अभी कुछ है नहीं। I guess Ashwarya sir, we can end here. अगर कोई doubts है तो मैंने वैसे भी doubt form post किया ही है, right? Yes. अरे यार मेरे लिए possible नहीं होता, मैं सबके question doubt form में जाके check करूँ और सब ना, इसलिए मैं यही के लिए खत्म करता हूँ। Okay. मैं वो नहीं कर पाऊँगा। So I think we are done. मेरी तरफ से we have answered all the questions. Thank you very much. Sayonara. Bye bye. मिलते हैं फिर। Awesome. So before concluding this lecture, what I wanted to say is कि कल शाम को फिर से हमारा PDW session होने वाला है। We will be having a very wonderful guest. जो guest है, he is in the IT industry from last 27 years. एकदम ऐसे grand master है वो IT में. So like he will be giving us very wonderful seminars on how he concluded, on how he had like traveled his journey, और उनके journey में से उनको क्या सीखने को मिला. And what realization he's like he has gained, and he will be talking on the topic which will be share you in your WhatsApp group very soon. Tab tak ke liye, thank you all for joining us today in the evening session and making the session wonderful. So tab tak ke liye, doubt from the area, attendance link ka maine bol diya tha pehle bhi ki attendance link ki zarurat nahi hai, kyunki ye jo webinar hai wo aapka session sab record kar raha hai along with your timing ki aap kahan se kahan join ho rahe hain. So not to worry about that. We will be marking your attendance or kuch doubts honge, so you can post. Or as usually, aap admins ko contact kar sakte, kuch issue hoga to. Again, giving you a reminder, kal sham 5:30 baje session hone wala hai. Don't miss out this session. This session will be very wonderful. Aur jaise Ashwarya sir savage hai, woh sir bhi bahut savage rehne wale aur aapke answers dene wale. So thank you everyone for joining. Aur hamare host bhi bahut savage hai Satya. Are you going to host the session tomorrow? Yeah, indeed. तो फिर मैं भी आता हूँ। Yes, आजा, मजा आएगा। तो ऐश्वर्या सर भी हमें join करेंगे, देखो कल फिर दो रहने वाले। तो आ जाओ सब एकदम। तो मैं खाली सुनने आ रहा हूँ, मैं बोलने नहीं आ रहा कल। Okay, okay. पर ऐसा कंडीशन होने वाला लगता है मुझे अब कि आपको बोलना पड़ेगा, आई गेस बच्चे आपको बोलेंगे ऐश्वर्या सर बोल दो अब तो बोल नहीं, नहीं बाबा that's fine. हम लोग ये सेशंस बाद में रखेंगे, एटलीस्ट 4-5 सेशन हो जाने दो। अच्छा आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक, मतलब सो दैट यू एंड द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मेरे पास समय है आप लोगों के साथ स्पेंड करने का ओनली टिल 27th ऑफ मार्च, उसके बाद आई एम नॉट अवेलेबल। ओके तो स्टूडेंट्स फटाफट जो सर सिखा रहे सीख लो और जो डाउट से पूछ लो, क्योंकि सर ने अभी ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि आफ्टर 27 ही विल बी नॉट देयर विद अस। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड लाइक डू योर प्लान योर एक्शंस अकॉर्डिंगली। हाँ जितना हो पाएगा ना 27 मार्च तक बस उतना ही कर पाएंगे, उसके बाद में आई एम नॉट अवेलेबल। चलो थैंक यू वेरी मच, आई एम लीविंग दिस सेशन। ओके बाय बाय। चलो यस यस थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म दे दिया है, क्वेश्चन फॉर्म ले लो, आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे, एंड अगर कुछ डाउट्स होगा तो आपके एडमिन यू कैन कॉन्टेक्ट। चलो देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस।